यस मम्मी यस, चल चल चल। आठ लिखे लो यस। लो जी अभी गाड़ी के अंदर आ गए हैं। ये हमारा स्लीपर वाला है, आराम से यहाँ पे दो लोग आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे ये दो लोगों के सोने की व्यवस्था है और मम्मी जी हमारे सो गए हैं। यहाँ पे आराम से हम दो लोग सो सकते हैं। ये स्लीपर वाली है, ये देखिए। फाइनली आराम से बस में हम पहुंच गए हैं और स्लीपर बस है ये। और मम्मी जी यहाँ पे सो गए हैं। मम्मी जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। पूरा स्लीपर है, जैसे डबल बेड की तरह यहाँ बेड लगा हुआ है पूरा। और आराम से यहाँ पे दो लोग सोते हुए जा सकते हैं। और ये बाहर का नज़ारा भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे कर्टन लगे हैं और सामने मैंने जूते उतार कर रख दिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ जूते रख दिए और यहाँ हमारा बैग पड़ा है। और यहाँ पे दो लोग आराम से सो सकते हैं। और यहाँ तक किया है। और ये बाहर का नज़ारा देखिए आप, पूरा बाहर का नज़ारा भी अच्छा से देख सकते हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा है पूरा, सारा मस्त मस्त व्यू है। आपका भाई फर्स्ट टाइम यहाँ ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट टाइम इसमें स्लीपर बस में सफ़र कर रहा है। ये देखिए बाहर का नज़ारा। 1200 की टिकट पड़ी थी मेरे को, ये थोड़ा मैंने डिस्काउंट वगैरह कूपन लगा कर यूज़ करा तो थोड़ा सस्ता पड़ा, तो ये 1100 रुपये पर पर्सन बैठा हमारा। टोटल दो टिकट 2200 की हमारी ये बस। ये हमारी जो बस जर्नी है हमारी, ये चंडीगढ़ से हल्द्वानी तक की है। हल्द्वानी यानी कि उत्तराखंड, हल्द्वानी उत्तराखंड। रूट होने वाला है ये चंडीगढ़ से हल्द्वानी तक का रूट है, तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र है ये। और अभी हम यहाँ पे 10:30 बजे बस से बैठे थे और सुबह तकरीबन 8 या 9 बजे के बीच हम हल्द्वानी पहुँच गए। ये थोड़ा सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि लंबा रास्ता है, थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से और फिर आपसे। बस SMT बस है ये। और अभी हम यहाँ पे चाय ब्रेक के रुके हैं, थोड़ा चाय पियेंगे फिर कंटिन्यू आगे कुछ चलेंगे।
ठीक सामने है रुद्रपुर, और रुद्रपुर बाईपास से हम निकल रहे हैं अभी। ये सामने रुद्रपुर का एरिया है पूरा,